प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से ज्यादा रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। इसी कड़ी में आज 554 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। अमृत भारत स्टेशन की खास बात यह है कि इन्हें अगले 50 सालों के हिसाब से बनाया जा रहा है। इन स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह पूरी सुविधाएं मिलेंगी ताकि ट्रेन के सफर को और ज्यादा सुविधाजनक और सुपरफास्ट बनाया जा सके। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 46 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव भी रखी है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को भी अमृत स्टेशन के तहत डेवलप किया जाएगा। कालूपुर रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसद और विधायक भी शामिल हुए। भारत के रेल विकास में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाओं से युक्त देश के रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए आज एक दिन इतिहास में दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से ज्यादा रेल परियोजनाओं की वर्चुअली सौगात दी। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास के काम का शिलान्यास किया, जबकि लखनऊ के पूर्ण विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 28 स्टेशनों के पूर्ण विकास की आधारशिला रखी। 28 स्टेशनों में से 17 पश्चिम बंगाल, 7 झारखंड और 4 बिहार में है। वहीं मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास होगा। एक साथ रेलवे से जुड़ी 2,000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने करीब 1500 नए बने रोड और अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं मोदी सरकार का दावा है कि वो लगातार रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं देने पर जोर दे रही है। यात्रियों की सुविधा, सुगमता और सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत बनने जा रहे रेलवे स्टेशनों में तमाम सुविधाएं मिलेंगी। फुटओवर ब्रिज, कॉनकोर्स, प्लेटफॉर्म, पार्किंग की सुविधा होगी। इनमें बच्चों के खेलने का क्षेत्र, फूड कोर्ट और कियोस्क बनाए जाएंगे। साथ ही इन्हें पर्यावरण और दिव्यांगों की सहूलियत के लिहाज से भी पूर्ण विकसित किया जाएगा। इन स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। बैठने की व्यवस्था, पेयजल, निर्देश बोर्ड, ट्रेन डिस्प्ले हर स्टेशन पर उपलब्ध होगा। देश के विकास में रेलवे की भूमिका बेहद अहम है। रेल की गति तेज होने से समय की बचत होगी, जिसके लिए मोदी सरकार वंदे भारत, अमृत भारत की सौगात देने के साथ बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम कर रही है। और अब यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आधुनिक रेलवे स्टेशन पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। गुजरात बीजेपी ने आज से सभी लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू की है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर 3-3 निरीक्षकों को नियुक्त कर दिया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के तुरंत बाद ही गुजरात बीजेपी ने चुनावी प्रक्रिया को शुरू कर दिया। उम्मीदवारों के चयन के लिए निरीक्षकों को सभी लोकसभा क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, जहां वो उसे लोकसभा सीट के चुने हुए जनप्रतिनिधि और संगठन के लोगों के साथ मिलकर उन्हें सुन रहे हैं। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, प्रदेश उपाध्यक्ष वर्षाबेन दोषी और सनम पटेल निरीक्षक के तौर पर पहुंचे थे। बता दें आपको कि गांधीनगर लोकसभा सीट पर कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम का सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी रखा। गुजरात में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने सभी सीटों के लिए तैयारी शुरू की है। आज जो है सभी 26 सीटों के लिए सेंस प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके अंदर दो महत्वपूर्ण सीटें, जो दो वीआईपी सीटें हैं नवसारी और गांधीनगर, वहां से जो है वो दिलचस्प वाक्य सामने आया है। सिर्फ एक एक नाम का जो है वो प्रस्ताव रखा गया है। कार्यकर्ताओं की ओर से पूरा समर्थन दिया गया कि गांधीनगर लोकसभा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम जो है वो रखा गया, और साथ ही नवसारी लोकसभा के लिए भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है सीआर पाटिल, उनका नाम रखा गया। कोई चर्चा या फिर किसी की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं का साफ मत था
जिस तरह से हमारे नेताओं ने काम किया है, तो यहाँ पे सांसद के तौर पे उन्होंने जो काम किया वो देखते हुए उनको जो है यहाँ से रिपीट किया जाए, इस तरह की सीधी बात कार्यकर्ताओं ने रखी और जो भी निरीक्षक यहाँ पे आए थे उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो ये दो VIP जो सीटें हैं गुजरात की, दोनों सीटों के ऊपर जो है वो एक नाम का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। और अब कल जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके अंदर सभी सीटों के लिए जो है पैनल बनेगा और वो दिल्ली भेजा जाएगा। और दिल्ली में जब 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद जो है भाजपा की पहली सूची जारी होगी, जिसमें गुजरात की भी कुछ सीटों के नाम जो है उम्मीदवारों के जारी हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अहमदाबाद से कैमरा सज्जन के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। और चलिए बात करते हैं रविवार को पीएम मोदी के सौराष्ट्र दौरे की। राजकोट में पीएम मोदी ने सौराष्ट्र को कई हजार करोड़ की सौगात दी है, साथ ही साथ पीएम मोदी ने द्वारिका में सुदर्शन सेतु का लोकार्पण भी किया है। सुदर्शन सेतु ओखा की बेट द्वारिका से जोड़ रहा है, यानी कि अब ओखा से बेट द्वारिका जाने के लिए लोगों को बोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ब्रिज को बनाने में 978 करोड़ रुपए की लागत आई है। राजकोट में ये मोदी का शक्ति प्रदर्शन है, मोदी का भव्य रोड शो। इस रोड शो से पहले पीएम मोदी द्वारका में थे। पीएम मोदी का यहाँ भव्य स्वागत हुआ। यहाँ अहीर समाज ने पीएम मोदी को सोने का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने यहाँ पूजा पाठ की और उसके बाद सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका के सुदामा सेतु पर हैं, जिस तरह से आपको तस्वीरें दिख रही हैं, उन्होंने जनता का अभिवादन किया और अब वो जो है सुदामा सेतु से चलते हुए जो द्वारका का बीच है वहाँ पे पहुँच रहे हैं और वहाँ पे वो जो हैं जो भी प्रवासन को लेकर, पर्यटन को लेकर जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो देखेंगे और वहाँ पर जो है वो कैसे यहाँ पे टूरिज्म को डेवलप किया जा सके और टूरिज्म को कैसे बूस्ट मिल पाए, उसका ये उनका प्रयास है। यहाँ पे लोग जो हैं सुबह से पहुँचे थे और पीएम जब दर्शन करके बाहर निकले तब लोगों का अभिवादन किया उन्होंने और लोगों ने भी मोदी के नारे लगाए। जिस तरह से पीएम सुदामा सेतु से होते हुए जो द्वारका का बीच है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर जो समुद्री पर्यटन है उसको कैसे बढ़ावा मिले, जो भगवान द्वारका की जो कहा जाता है कि सोने की नगरी थी वो समंदर के नीचे हैं, उसको लेकर कई चीज़ें चल रही हैं, कई बातें चल रही हैं, तो क्या वो है या नहीं, और जो पूरा रिसर्च किया गया था उसके बाद अब यहाँ पे टूरिज्म कैसे डेवलप हो पाए, ये पूरी चीजें जो है वो पीएम यहाँ पे मुआयना करेंगे। ये सुदर्शन सेतु ओखा को बेट द्वारका से जोड़ेगा। आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। पीएम मोदी ने ही सेतु की आधारशिला रखी थी और आज उन्होंने ही इसका लोकार्पण किया। सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। बता दें कि यह सुदर्शन सेतु केबल आधारित देश का सबसे लंबा ब्रिज है। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। मैं सभी देशवासियों को इस आधुनिक और विराट सेतु के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बता दें कि सुदर्शन सेतु को बनाने में 978 करोड़ रुपए का खर्च आया है।
इस सेतु की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। ब्रिज पर 2.50 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया गया है। इस सेतु में 12 गैलरी बनाई गई हैं। इस पुल की एक और विशेष बात है, इसमें जो शानदार लाइटिंग हुई है उसके लिए बिजली पुल पर लगे सोलर पैनल से ही जुटाई जाएगी। खास बात यह है कि सेतु पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। सेतु पर लगी लाइटें इन्हीं से जलेगी। सुदर्शन सेतु में 12 टूरिस्ट गैलरी बनाई गई है। आज मैंने भी इन गैलरियों को देखा है। ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। सुदर्शन ही है, इनसे लोग अथाह नीले समंदर को निहार पाए। पीएम मोदी ने बताया कि भगवान कृष्ण की कृपा है कि सुदर्शन सेतु का लोकार्पण उनके हाथ लिखा था। साथियों, मैं तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार के सामने बार बार ये बातें रखता था, लेकिन कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था। इस सेतु के निर्माण के बाद ओखा से बेट द्वारका जाने के लिए लोगों को नाव पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ब्रजेश दोषी, द्वारका आज तक। द्वारका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर में श्रीकृष्ण साधना की है। पीएम मोदी समंदर के भीतर गए और विधि विधान से द्वारकाधीश की आराधना की। पीएम मोदी अपने साथ मोर पंख लेकर गए थे, जहां उन्होंने समंदर के भीतर श्रीकृष्ण को मोर पंख अर्पित किए हैं। पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी बाहर जब आए तो उन्होंने कहा कि उनकी इस आराधना में साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। साहस से ज्यादा श्रद्धा। सागर के भीतर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृष्ण साधना है। देखिए कैसे समंदर के अंदर नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ में मोर पंख है, वो समंदर के भीतर श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित कर रहे हैं। भगवा वस्त्र पहनकर पीएम मोदी कमर में गमछा बांधे द्वारकाधीश की आराधना करने पहुंचे थे। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो द्वारका नगरी बसाई थी वो इसी समंदर में डूब गई थी, इसीलिए समंदर के भीतर जाकर पीएम मोदी ने द्वारकाधीश की अर्चना की। गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। द्वारकाधीश की आराधना करके जब पीएम मोदी बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसी भव्यता महसूस की। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। पीएम मोदी ने बताया कि द्वारकाधीश के दर्शन करने समंदर के अंदर जाने में साहस से ज्यादा उनकी श्रद्धा थी। पीएम मोदी कहते हैं कि अनेक वर्षों से उनकी इच्छा थी कि द्वारका नगरी के अवशेष जो समंदर के भीतर हैं, उन्हें छूकर उनकी आराधना करें। वो इच्छा आज पूरी हुई। जब मैंने पुरातत्व विदों से ये जाना था तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा,
और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। समंदर के भीतर पूजा आराधना करने के पहले पीएम मोदी बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने पहुंचे। देखिए ये तब की तस्वीर है। पीएम मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की और उसके बाद सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। ब्रजेश दोषी, द्वारका आज तक।